सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन का प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार क्विक एंड इजी ब्रेड की रसमलाई बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं, ब्रेड रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर दूध शामिल करेंगे। 1 kg मैंने दूध लिया है। दूध हमने शामिल कर दिया, अब दूध को हम पकाएंगे। साथ ही हम 5 से 6 अदद इलायची के बीज हैं वो शामिल कर देंगे। आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। दूध को हम पकाएंगे, जैसे ही उबाल आ जाएगा फ्लेम हम मीडियम रख देंगे। दूध में एक उबाल आ चुका है, देखिए किनारों से हटाते जाएंगे दूध को, जो बलाई जमती जाती है उतारते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। अब साथ ही हम इसमें थोड़े से बादाम शामिल करेंगे, बारीक कटे हुए। पिस्ता शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। दूध को हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं और दूसरी तरफ हम ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। दूध को हमने मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। 3 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, अब एक एक करके कटिंग करेंगे। ये देखिए, एक मैंने गोल सा ढक्कन लिया है, उसकी मदद से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह। एक ब्रेड के स्लाइस में से 4 बन जाएंगी। इसी तरह बाकी भी हम रेडी कर लेंगे। ब्रेड की कटिंग करने के बाद जो आपके किनारे बच जाएंगे हमारे, इसको हम ब्रेड क्रम्स में यूज करेंगे। देखिए बहुत ही जबरदस्त बन रही है। चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स फ्रेश रेडी हो जाएंगे। दूध को हम मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं, दूध हमारा ठीक होना शुरू हो गया है। 1/2 कप चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को पकाएंगे, जैसे चीनी हमारी हल हो जाएगी मज़ीद हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे और फिर हम ब्रेड के जो पीस किए हैं हमने वो शामिल करेंगे। चीनी हमारी हल हो चुकी हुई है। अब दूध को हम थोड़ा सा थिक करने के लिए 1/4 कप मैंने पानी लिया है और 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, उसको मिक्स कर लिया है, अब वो शामिल करेंगे। चम्मच आपने साथ साथ चलाते जाना है। देखिए दूध हमारा ठीक होना शुरू हो गया। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है ये और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। दूध हमारा ठीक होना शुरू हो गया। अब चंद कतरे हम केवड़ा के शामिल करेंगे। स्वीट रेसिपी में केवड़ा ज़रूर शामिल करें, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। दूध हमारा ठीक हो चुका, अब हम इसमें ब्रेड के पीस शामिल करेंगे जो हमने कटिंग कर लिए थे गोल गोल। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है केवड़ा और इलायची की। अब हल्के हाथों से थोड़ा डिप करेंगे। ये देखिए, मज़ीद हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। मज़ीद हमने 1 से 2 मिनट पका लिया, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
बहुत ही मज़ेदार क्विक एंड ईजी ब्रेड की रसमलाई रेडी है। इसको ठंडा सर्व कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।